हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सब? बहुत स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। सो आज होने वाला है ये अमेजॉन फैशन हॉल, और अभी विंटर्स बहुत करीब है तो कुछ चीज़ें विंटर्स के लिए हैं, हैंडबैग्स हैं, बहुत अमेजिंग चीज़ें मैं आपको शो करने वाली हूँ। जितनी भी चीज़ें शो करने जा रही हूँ सबके जो लिंक्स हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में रहेंगे, साथ में रहेगा माय हॉल स्टोर लिंक, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो मेरी सारी फेवरेट चीज़ें। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड विद दिस वीडियो। सो सबसे पहले मैं आपको शो करने जा रही हूँ एक बहुत ही प्यारी सी हुडी। एक्चुअली प्रिशा इसको पहन के देख चुकी है, सो ये उल्टी हो रखी है। तो अभी मैं मेरे मायके आई हुई हूँ और वहीं से वीडियो शूट कर रही हूँ। यहाँ पे काफ़ी ठंड है और ठंड को देखते हुए मैंने ये हुडी मंगवा ली थी, और ये हुडी बहुत ही ब्यूटीफुल है, बहुत ब्यूटीफुल है, और इसको मैं आपको पहन के दिखा दूंगी, प्रिशा कोई भी दिखा देगा। काफ़ी अच्छा मटेरियल है, और ये कौन से ब्रांड से है? फोर्ट कॉलिंस। ये जो ब्रांड है ये काफ़ी अच्छा है और काफ़ी फेमस ब्रांड है, और इसके जो वूलन्स होते हैं या जैकेट्स होती हैं या हुडीज होती हैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी मानी जाती है, बिकॉज फोर्ट कॉलिंस सभी को बताओगे ये ब्रांड काफ़ी अच्छा है विंटर वेयर में। सो विंटर वेयर के लिए एकदम परफेक्ट है। ऊपर से तो ऐसे बनियान वाला मटेरियल ही लग रहा है, लेकिन काफ़ी मोटा है, इसमें आपको ठंड नहीं लग सकती। अंदर से पूरा वॉर्म है, ये देखिए बिल्कुल सॉफ्ट वाला, जो वॉर्म होता है ना, जो हम वार्मर की तरह पहनते हैं वो वाला कपड़ा है अंदर, यानी डबल लेयर्ड है, और पहन के बहुत ही ब्यूटीफुल लगेगा। ये सच में बहुत अमेजिंग है, पहन के बहुत ही सुंदर लगने वाला है, बहुत ही प्यारी हुडी है, और ये पूरे बाजू की ऑब्वियसली, और उसका कैप बहुत प्यारा है, इसमें डोरी भी है। सो दिस इज वेरी प्रिटी एंड हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माय साइड। सो इसके बाद में फिर कुछ एक ड्रेस है बहुत ही प्यारा सा, और ये ड्रेस मैं काफ़ी टाइम से अपने विश लिस्ट में रख रही थी और रख के सोची थी इस बार ले लूँगी, लेकिन मैंने एक बार भी नहीं ली। तो ये बहुत ही सुंदर सा कुर्ता है और बहुत प्रिटी वाला कलर है। ऐसे कुछ बाजू हैं इसकी। कपड़े की बात करूँ तो सिल्क नहीं है, ये लेनिन काइंड ऑफ लेनिन कॉटन है, बट देखने में सिल्क लग रहा था जब मैंने इसको वेबसाइट पर देखा। ऐसे कुछ इसकी बाजू हैं इस तरह से, और ऐसी कुछ शॉर्ट कुर्ती है, एकदम शॉर्ट वाली कुर्ती है। आजकल शॉर्ट कुर्तीज काफ़ी ट्रेंड में हैं, काफ़ी फैशन में, और बहुत अच्छी लगती हैं। सो इसके साथ कंबाइन होने के लिए है ये शरारा, नो नॉट गरारा, शरारा इस तरह से, ये पूरा शरारा है जो कि पहन के बहुत अमेजिंग लगता है ये ड्रेस सच में। और इसके साथ कंबाइन हो रही है ये चुन्नी, क्योंकि पता नहीं मतलब वाइट चुन्नी है, इसके साथ प्रिंटेड साइड पर है गोटा पट्टी, तो ये बहुत प्यारा है। ये भी कॉटन है, इसमें कुछ भी सिल्क नहीं है, सब लिनन टाइप ऑफ चीज़ें हैं जितनी भी दिखा रही हूँ आपको। इसके बाद मेरे पास एक और टॉप है जो कि बहुत ही ज़्यादा प्रिटी है। सारी चीज़ें मैंने अमेजन से पिक की हैं, और ये कुछ इस तरह से देखिए, यहाँ पे एम्ब्रॉयडरी है। ये जीन्स के ऊपर वाला टॉप है, ये आप देख सकते हो, और ये भी लिनन जैसा ही मटेरियल है, कुछ इस तरह का इसमें डिज़ाइन है, जस्ट वेट, इस तरह का डिज़ाइन है, आगे डोरी बन जाएगी। और प्यारा सा ये जीन्स के ऊपर पहनने वाला कुर्ता है, नीचे से कटवर्क है, कलर बहुत ही प्यारा है और पूरे बाजू का है, तो थोड़ा सा सर्दी के टाइम में विंटर्स में ऐसे ही कपड़े अच्छे लगते हैं, तो ये बहुत ही खूबसूरत सा टॉप है, इसका भी लिंक नीचे रहेगा। तो इसके बाद में एक और अगेन ऐसा ही कुछ कॉटन का प्यारा सा टॉप है, और ये पहन के बहुत अमेजिंग लगता है। ये प्रिशा के लिए है, मेरे लिए नहीं है, और ये इस तरह का है और कॉटन है, प्योर कॉटन है। यहाँ लेस लगी हुई है और यहाँ पे भी लेस लगी हुई है, और ये पहन के क्या अमेजिंग लगता है। आप यहाँ पे देखो कितनी सुंदर लगती है प्रिशा इसे पहन के, और काफ़ी मतलब इसमें बहुत सारे साइज हैं, ये तो एक्सल साइज है, लेकिन आपको और भी मिल जाएंगे। कुछ ऐसा फ्रॉक टाइप है ये, और बहुत प्यारा लगता है, बैक साइड से भी बहुत ही अच्छा है, काफ़ी खूबसूरत सा टॉप है ये, और ये जीन्स पे या मतलब जेगिंस पे बहुत अच्छा लगेगा। दिस इज सो ब्यूटीफुल, सो दिस इज ऑल्सो वेरी गुड एंड हाईली रिकमेंडेड फ्रॉम माई साइड। इसके बाद में एक और ड्रेस है, एक ड्रेस मैंने आपको येल्लो वाली दिखाई, एक ही वाली है, ये भी बहुत ही प्यारी है, और ये भी मैं काफ़ी टाइम से देखती चली आ रही थी, और हमेशा मैं इसको विश लिस्ट कर देती थी, कभी भी मैंने बाय नहीं किया। सो इस बार मैंने उठा लिया से, तो ये कुछ लहरिया का मेरा ये प्लाजो है इस ड्रेस का, और प्योर कॉटन का ड्रेस है, प्योर कॉटन प्योर कॉटन के सिवाय कुछ नहीं है, और ये फ्रॉक स्टाइल में है हल्का फुल्का सा, और ये नीचे का लहरिया है, ऊपर का बांधनी है, और इस तरह से देखिए यहाँ पे वर्क है। या आप पार्टी में भी पहन सकते हो, जैसे अभी वेडिंग सीजन आ रहा है, कोई छोटा मोटा फंक्शन हो ना उसमें भी आप पहन सकते हो। और इस तरह से इसकी स्लीव्स हैं, आधी लहरिया आधी बांधनी, तो ये काफ़ी सुंदर सा है, और इसका कुछ ऐसे देखिए इस तरह से बीच में बांधनी, साइड पे लहरिया, काफ़ी सुंदर फ्रॉक स्टाइल है, पहन के बहुत अमेजिंग लगेगा ये झुमकी वगैरह के साथ। इसके बाद में आपको पता होगा, याद होगा, मेरे बर्थडे के दिन प्रिशा ने मुझे एक बैग गिफ्ट किया था। जी हाँ, ये बैगेट का बैग है,
स्लिंग बैग है, बैगेट ब्रांड से है और ये बहुत अमेजिंग है। देखो इसका कलर भी देखो, सच्ची में बहुत अच्छा है और बैगेट से है। और इसको जब हम ओपन करते हैं तो इसमें काफ़ी बड़ा सा कंपार्टमेंट है, बहुत बड़ा कंपार्टमेंट है। और यहाँ पे आपको एक और पॉकेट मिल रही है जिसमें आप अपना लाइक कॉइन वगैरह कुछ भी रख सकते हो। और ये बैग मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आया है, अब आप फ्यूचर में मुझे इसको यूज़ करते हुए देखोगे। और बैगेट का है तो ऑब्वियसली और तो क्या बोलूँ, पीछे भी आपको एक पॉकेट ऐसे मिल रही है जिसमें आप अपने कोई भी एसेंशियल वगैरह रख सकते हो। काफ़ी बड़ा है, छोटा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ही सुंदर है यार, टू अमेजिंग, बहुत अच्छा है। इसके बाद में एक ये वाला बैग है, एक्चुअली मंगाया तो मैंने दूसरा था, ये रॉन्ग प्रोडक्ट आ गया है, लेकिन ये भी बुरा तो नहीं है, बहुत अच्छा है, कैप्रीज ब्रांड से है, छोटा सा बैकपैक है। मैंने मंगाया था एक हैंडबैग कैप्रीज का, लेकिन शायद कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है और ये वाला आ गया, लेकिन कोई बात नहीं, मैंने सोचा आ गया तो आपको दिखा दूं। अगर इसका लिंक मुझे मिल गया तो मैं नीचे छोड़ दूंगी, आप चेक कर लेना। वैसे अच्छा है, वैसे कैप्रीज के जो बैकपैक्स हैं प्रिशा काफ़ी टाइम से मांग रही थी, तो चलो उसको चल जाएगा। इसमें काफ़ी सारे कंपार्टमेंट हैं, देखिए काफी स्पेसेस के अंदर, और यहाँ पे भी पॉकेट है, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी काफी सारा सामान अंदर आ जाएगा, आपको बहुत सारे पॉकेट्स मिल रहे हैं। इसके अलावा बैक साइड पे आपको ऐसे पॉकेट मिल रहा है और आगे भी आपको एक छोटा सा पॉकेट मिल रहा है। मटेरियल इसका समथिंग लाइक क्लोथ और ये लेदर मिक्स समथिंग ऐसे मटेरियल है, और ये काफी सुंदर बैकपैक है। इसके बाद है मेरा बर्थडे वाला, बर्थडे पे जो मुझे गिफ्ट आया है ना मेरे सब्सक्राइबर की तरफ से, वो वाला, ये लिनो पेरोस का है, इसका भी मैं लिंक नीचे छोड़ रही हूँ किसी को अच्छा लगे। ये बर्थडे का मेरा गिफ्ट है जो मुझे मेरे सब्सक्राइबर ने भेजा है, तो ये भी बहुत ही प्यारा है और बेबी पिंक कलर है जो कि काफ़ी सुंदर लग रहा है, इसका लिंक भी मैं नीचे दे दूंगी। और लास्ट में है ये वाला ड्रेस, ये कफ्तान ड्रेस है और ये नी लेंथ का है, और इसके अंदर पूरा आपको एक इनर मिल रहा है अलग से, काफ़ी मोटे मटेरियल का इनर है, पूरा लंबा इनर है, उसको पहनने के बाद आपको ये ट्रांसपेरेंट है पूरा ऊपर वाला, तो अंदर इनर होता है इससे प्रॉब्लम नहीं है। तो ये एक बहुत ही सुंदर सी ड्रेस लग रही है और शाम के टाइम घूमने घूमने जाने में बहुत अच्छी लगेगी। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज फैशन हॉल, आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, और सारी लिंक मैं नीचे छोड़ दूंगी साथों साथ। मेरी आंखें खिंच रही हैं यार, चश्मा पहन लिया जाए। ओके, सो जितनी भी चीज़ें मैंने आपको आज शो की हैं सबके जो लिंक है वो मैं नीचे छोड़ दूंगी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, माय हॉल स्टोर लिंक भी होगा, आपको कुछ भी अच्छा लग रहा है वहां से क्लिक करके बाय कर सकते हो। अगर ये वीडियो पसंद आया है मेक श्योर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा चैनल पे, नए हो तो नोटिफिकेशन बेल को जरूर हिट कर देना और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, सो दैट सो मेनी पीपल कैन बाय थिंग्स फ्रॉम माई चॉइस। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।